नमस्कार दोस्तों, एक विषय हमारा चल रहा था फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। उसका पार्ट टू लेकर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है क्या और कैटेगरीज क्या है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि इन कैटेगरीज को एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं ये विषय, प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, इसकी प्रक्रिया क्या है। तीन स्टेप इसमें बेसिकली आते हैं। पहला स्टेप है एनकोडिंग प्रोसेस, दूसरा है डिकोडिंग प्रोसेस और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कंक्लूजन। तो प्रारंभ करते हैं एनकोडिंग प्रोसेस से कि है क्या। स्टेप वन, एनकोडिंग प्रोसेस, दिस इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड ऑब्जर्वर। पहली चीज ये है कि इसमें एक दक्ष जो ऑब्जर्वर है, कुशल ऑब्जर्वर है, वो ही कर सकता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टेप्स आर एज फॉलो, जिसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो कुछ बताई गई है। जैसे मेमोराइजिंग कोड्स, कि जो हमारे 10 कोड हैं श्रेणियों के, उनको हमने मेमोराइज करना है। जैसे पहला है एक्सेप्ट फीलिंग्स, दूसरा है प्रेजेस एंड एनक्रेजेस, तीसरा है एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल और प्यूपल्स, चौथा है आस्क क्वेश्चंस, पांचवा लेक्चरिंग, छठा गिविंग डायरेक्शंस, सातवां क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, आठवां प्यूपिल टॉक में आता है प्यूपिल रिस्पॉन्स, नौवां प्यूपिल इनिशिएशन और दसवां है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। तो इनको हमने याद करना है। पहले हमें ये याद होना चाहिए, ऑब्जर्वर को जितना ज्यादा बेहतर याद होगा उतना ही जल्दी जल्दी वो ऑब्जर्वेशन करके उनकी जो सीरियल नंबर है उसका कोड्स जो है वो डालता जाएगा। इसमें क्या करना है, इफ द टीचर इज प्रेजिंग द प्यूपिल बिहेवियर ही पुट्स 2, इफ ही इज लेक्चरिंग ही पुट्स 5, If he is questioning, he puts 4. If the student is responding, he puts 8, so on. अगर praise कर रहा है अध्यापक बच्चे के व्यवहार की, 2 डालना है, भाषण दे रहा है 5 डालना है, question कर रहा है 4 डालना है, और अगर विद्यार्थी जो है वो respond कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, 8 डालना है। The observer sit in the classroom in the best position to hear and see the participants. अब observer को कहाँ बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां से वो अध्यापक और बच्चों के ऊपर सही तरह से ध्यान रख सके, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही उसने कोडिंग करनी। एट द एंड ऑफ एवरी 3 सेकंड्स ही डिसाइड्स व्हिच कैटेगरी बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन इवन जस्ट कम्प्लीटेड। प्रत्येक 3 सेकंड में उसे फैसला लेना है ऑब्जर्वर को कि ये जो 3 सेकंड का व्यवहार था वो किस श्रेणी के अंतर्गत जाता है। दस द टाइम इन्वॉल्व इन कोडिंग 1 टैली फॉर एवरी 3 सेकंड्स, प्रत्येक 3 सेकंड पर एक जो टैली है वो लगानी है। वो कैसे लगानी है अगली स्लाइड में हम देखेंगे। इज 20 टैलीज इन 1 मिनट, 1 मिनट में 20 टैलीज लगानी है, 100 टैलीज इन 5 मिनट्स एंड 1200 टैलीज इन 1 आवर, ये एक रेशियो रहेगा कितनी तेजी से हमें ये कोडिंग याद रखते हुए हमने उनको टैलीज को करना है, ये इन्होंने इसमें बताया है। इन दिस प्रोसेस ओनली द सीरियल नंबर ऑफ कैटेगरीज आर रिकॉर्डेड। इस प्रोसेस के अंदर जो कैटेगरीज दी गई हैं 10, 7 टीचर वाली हैं, 2 प्यूपिल टॉक की और 1 साइलेंस कंफ्यूजन, 10वां जो है उनके सीरियल नंबर को ही याद रखना है, उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। द सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरीज रिकॉर्डेड ऑन द डेटा शीट बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पास एक डेटा शीट होती है, उस पे वो सीरियल नंबर जो है वो कोड लिखता चला जाता है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज ओवर द ऑब्जर्वर शिफ्ट्स टू सम अदर रूम एंड प्रिपेयर्स द डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरीज। ऑब्जर्वेशन जब पूर्ण हो जाती है, ऑब्जर्वर दूसरे कमरे में चला जाता है और जो उसने ऑब्जर्वेशन की है, कैटेगरीज के डेटा रिकॉर्ड की है शीट पर, उनके आधार पर, सीरियल नंबर के आधार पर, वो कैटेगरीज के आधार पर उसका आकलन करता है। इन दिस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस द राइटिंग ऑफ सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरीज इज नोन एज एनकोडिंग। इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में जो हम सीरियल नंबर लिखते हैं श्रेणियों के, उसको एनकोडिंग कहा जाता है। 1 से लेकर 10 तक जो 10 श्रेणियां दी गई हैं, उनके जो कोड हैं, उनको जब हर 3 सेकंड के बाद आप लिखते चले जाते हैं, जो जो व्यवहार कक्षा में हो रहा है उसको एनकोडिंग कहा जाता है। राइटिंग डिटेल्स ऑफ बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज इज नोन एज डिकोडिंग। अब इसके आधार पर, इन एनकोडिंग के आधार पर, जब बिहेवियर को हम लिखते हैं कि कैसा बिहेवियर रहा अध्यापक का, उसको डिकोडिंग कहा जाता है। द ऑब्जर्वर शुड रिमेम्बर द सीरियल नंबर ऑफ दीज कैटेगरीज। ऑब्जर्वर के लिए एक बार फिर वही आवश्यक है कि उसको इन कैटेगरीज के सीरियल नंबर याद रहने चाहिए 10 के। एनकोडिंग प्रोसेस, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एवरी 3 सेकंड द ऑब्जर्वर डिसाइड्स टू विच कैटेगरी द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल एंड टीचर बिलोंग्स। प्रत्येक 3 सेकंड के बाद ऑब्जर्वर को ये सुनिश्चित करना है
और उस श्रेणी को लिख देना है, उसकी कोड को लिख देना है कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। द सीरियल नंबर ऑफ दैट कैटेगरी इज रिकॉर्डेड एंड कोडेड ऑन द डेटा शीट बाय द ऑब्जर्वर एट द रेट ऑफ 20-25 ऑब्जर्वेशन पर मिनट। एक मिनट में 20 से 25 ऑब्जर्वेशन करते हुए जो भी व्यवहार कर रहा है श्रेणीगत आधार पर उसके जो सीरियल नंबर है उसको डालते जाना है और इसी गति से आगे बढ़ते चले जाना है। कीप दिस टेम्पो एज स्टेडी एज पॉसिबल। स्टेप टू आता है डिकोडिंग प्रोसेस। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड कोडिंग द क्लासरूम इवेंट्स इनटू 10 कैटेगरीज द नेक्स्ट टास्क इज कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स टेबल। अब क्या काम आता है, जैसे ही वो हमने कोड्स लिख लिए श्रेणीबद्ध कर लिया क्लास से जब चले गए हैं, तो अब हमने एक टेबल बनानी है, मैट्रिक्स बनाना है। दिस इज ए मैथमेटिक टेबल, मैथमेटिकल टेबल हैविंग रोज एंड कॉलम। ये एक गणितीय जो टेबल होता है वैसा है जिसमें पंक्तियां हैं और कॉलम है। इन दिस 10x10 मैट्रिक्स देर आर 10 रोज एंड 10 कॉलम्स। इसमें 10 पंक्तियां होती हैं और 10 कॉलम होते हैं। द जनरलाइज सीक्वेंस ऑफ द पीपल टीचर इंटरेक्शन कैन बी एग्जामिन्ड इन दिस मैट्रिक्स टेबल। अब उसके अंदर जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको इस इंटरेक्शन टेबल में क्या किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है। इट इंडिकेट्स व्हाट इवेंट प्रोसीड्स एंड व्हाट फॉलोज। ये बताता है कि कौन सा इवेंट हुआ था और कैसे हुआ था। ये जैसे मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कक्षा शुरू हुई, साइलेंस कंफ्यूजन था 10, फिर 6, फिर 10, फिर 7, फिर 5, फिर 1, फिर 4, फिर 8, फिर 4, फिर 10। ये बिहेवियर मैंने पहले और अंत में 10 इसलिए रखा है कि कक्षा में प्रवेश और कक्षा से जाते समय कक्षा में या तो शांति होती है या शोर शराबा होता है। फिर हमने इनके पेयर बनाने होते हैं, जैसे देखिए जैसे कर्सर जा रहा है वहां पर, ये पहला पेयर बना है, ये दूसरा पेयर बना है, ये तीसरा पेयर बना है, ये चौथा है, ये पांचवा है, एक और चार का ये छठा है, फिर सातवां, फिर आठवां है। 9 पेयर टोटल बने ऑब्जर्वेशन के। ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम मैट्रिक्स में कैसे भरना है इसको हम कर पाए। अगली स्लाइड है हमारे मैट्रिक्स की, इसमें 10 रो हैं और 10 कॉलम हैं, लास्ट में ये टोटल है और यहाँ पर भी एक टोटल का कॉलम जो है वो। तो अब मैं बताऊंगा कि पिछली स्लाइड में क्या था। जैसे 10 का 6 पहला पेयर क्या था, 10 का 6 ये है 10, और यहां हमने एक जो कोडिंग है वो कर दी है 10 के 6 के अंदर। दूसरा है 6 का 10, अब ये है 6, 6 का 10 कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर हमने वो कर दिया है कोडिंग। उसके बाद है 10 का 7, अब यहाँ पर 10 का 7 6 के बाद ये आ गया है। उसके बाद है 7 का 5, ये है 7, 7 का 5। उसके बाद है 5 का 1, 5 का 1 में 5 का 1 आ गया, ये वाला। उसके बाद है 1 का 4, अब ये 1 का 4। उसके बाद है 4 का 8, अब ये है 4 का 8। उसके बाद है 8 का 4, ये है 8 का 4, और सॉरी अंतिम है 4 का 10, और ये आ गया 4 का 10। अब आपने क्या करना है, इनको जोड़ करना है। यहाँ पर एक वाले कॉलम में कितने आपने ये जो टैलीज हैं वो लगाई हैं, एक टैली है, दो वाले में कोई टैली नहीं है, तीन वाले में कोई टैली नहीं है, चार वाले में दो टैली है, पांच में एक टैली है, छह की पूरी रोज में जो कॉलम है उनमें एक टैली है, सात में एक टैली है, आठ में एक टैली है, नौ में जीरो टैली है और दस में दो टैली है। सेम यहाँ करना है आपने, एक में एक है। और एक ध्यान रखना है कि यहाँ का जो एक का जो जोड़ है तो वही जोड़ यहाँ पर, ये आपकी टैलीज की जो आपने इसमें भरी हैं उसके आधार पर ये सुनिश्चित करेगा कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन ठीक करी है, उनके पेयरिंग ठीक करी है और उसके बाद टैलीज को इंटरेक्शन मैट्रिक्स टेबल में ठीक से भरा है, तो ये जो जोड़ है 1 से 10 कॉलम और 1 से 10 रो का, वो 9 आ रहा है, तो दोनों तरफ से 9 ही आएगा। आप देख सकते हैं 10 का यहाँ पर 2 है, 2 है, 9 का 0 है, 8 का 1-1 है, ये जो भी है, जैसे 4 का 2 है और यहाँ भी 4 का 2 है। ये चीज इस तरह से हमने एक इंटरेक्शन मैट्रिक्स टेबल बनाना है और उसके अंदर इस तरह से हमने टैलीज को जो है वो डालते जाना है, बाद में जब आपने ऑब्जर्वेशन के बाद किसी कमरे में जाकर इसका विश्लेषण करना है। अब बात करते हैं आगे। लास्ट स्लाइड टेबल शोज एज ए कंप्लीटेड मैट्रिक्स। पिछली स्लाइड में हमने एक कंप्लीट मैट्रिक्स देखा, ये वाला। वन शुड नोट दैट इन ए करेक्टली टेबुलेटेड मैट्रिक्स द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। जैसे हमने यहां पर देखा कि इनका पूरे का टोटल जो 9 आ रहा है, इधर से कॉलम का टोटल भी 9 आ रहा है। स्टेप 3 इसके बाद आता है, जब ये बन चुका है, अब स्टेप 3 आता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कंक्लूजन। द मैट्रिक्स शुड हैव एटलीस्ट 400 टैलीज। द
टेंडर कहते हैं कि अगर हमें ठीक तरीके से इसका आंकलन करना है, इसका विश्लेषण करना है, तो हमें कम से कम 400 टैलीज लगानी पड़ेगी, विच आर बेस्ड ऑन 20 मिनट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन। मिनिमम 20 मिनट का लेसन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओनली देन इट्स राइट इंटरप्रिटेशन विल बी पॉसिबल। ये इतना हो पाएगा तभी इसकी राइट इंटरप्रिटेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये हमने एक सैंपल मैट्रिक्स टेबल बनाया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर टैलियों की संख्या लिख दी गई है। एक के चार जो था उसमें एक था, दो के एक में एक था, दो के चार में छह बार जो हमने उसमें टैलीज लगाई तो यहाँ पर संख्या छह लिख दी गई है। कईयों के अंदर संख्या आपको 48 भी मिलेगी, किसी में 62 भी मिलेगी, ये व्यवहार बहुत ज्यादा हुआ। तो इसका जब हम जोड़ करते हैं यहाँ पर आप देखिए 421 इधर से है और 421 इधर से है। तीन का मैं 32 यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। तो ये जब आता है तो अब ये एक सैंपल मैट्रिक्स टेबल हमने लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। अब टोटल टीचर टॉक क्या है, जो हमारे कैटेगरीज है 1 to 7 उसको कैसे निकालना है। अब इस 4 to 1 का जो हमारे पास आया है तो हमने 1 से 7 का जो जोड़ है वो ले लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक का जो जोड़ है हमने यहाँ पर लिया, 1, 12, 32, 104, 105, 27, 13 टोटल हुआ 294। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है कि टीचर टॉक की परसेंटेज कितनी रही, 100% की जो इंटरेक्शन थी। 294 को 421 जो हमारा टोटल उससे भाग करना है और 100 से गुना कर देना है, जो इसकी परसेंटेज रही वो 69.83 रही। टोटल स्टूडेंट टॉक निकालनी है, स्टूडेंट टॉक की 2 श्रेणियां हमारे पास हैं, वो हैं 8 और 9, 44 और 66। यहाँ पर आप देखिए 44 और 66, 110 परसेंटेज, 110 बटा में 421 गुना 100, 26। साइलेंस एंड कंफ्यूजन यहाँ पर हमारे पास 17 है, तो इसके अंदर आप देखिए 17 बटा इतना और ये। तो इस तरह से हम ये श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। श्रेणीबद्ध करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये बता सकते हैं कि पिछले मैट्रिक्स में जो स्टैंडर्ड 420, 421 का था, इसमें 69.83% टीचर टॉक हुआ, 26.12 पीपल टॉक हुआ, स्टूडेंट टॉक हुआ, और 4.03 जो है वो साइलेंस और कंफ्यूजन रहा। इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ लैंडर इंट्रक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, इसकी विशेषताएं क्या है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिटिक्स। इसमें हम कक्षा कक्ष की जो अंतःक्रिया है उसका विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वो कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एज द सिस्टम्स रूल इज टू टेक ऑब्जर्वेशन आफ्टर एवरी 3 seconds, इट इज एंश्योर दैट द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। प्रत्येक 3 सेकंड में एक ऑब्जर्वेशन देनी है, मतलब कक्षा का कोई भी व्यवहार छूटता नहीं, ये इसकी एक विशेषता है। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो तो ऑब्जर्वेशन कम होंगी और कई बार जो ऑब्जर्वर है वो चूक सकता है, परंतु टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड होने से वो चूकता नहीं है, ये भी इसकी एक विशेषता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट, ये कक्षा कक्ष के वातावरण को भी डिटरमाइन करने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमारे सामने आ जाता है कि टीचर टॉक कितना रहा, स्टूडेंट टॉक कितना रहा, और जो साइलेंस और कंफ्यूजन है वो कितना रहा, तो अब अगली क्लास में मुझे क्या करना है। ए टीचर कैन कंट्रोल हिज टीचिंग बिहेवियर, इससे अध्यापक अपने शैक्षणिक व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। सो दिस सिस्टम इज वेल सूटेड टू बी यूज्ड एज मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस और द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। इसलिए ये जो हमारे पास एक मैकेनिज्म है प्रतिपुष्टि के लिए, अध्यापक व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए जो प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसके लिए एक बहुत ही प्रभावी एक टूल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका उपयोग पूर्वकालिक जो शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, उन दोनों तरह के कार्यक्रमों में किया जा सकता है। पूर्व सेवाकालिक शिक्षा कौन सी है, जो बीएड के बच्चे अब कर रहे हैं और जॉब लगने के बाद जो ट्रेनिंग करते हैं उसको हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ FIACS, लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। द सिस्टम कैन नॉट डिस्क्राइब क्लासरूम एक्टिविटी इन इट्स टोटेलिटी, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जो वर्बल बिहेवियर है केवल उन्हीं को ही देखा जाए। समटाइम अनरिकॉर्डेड एस्पेक्ट मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन द रिकॉर्डेड। कई बार जो रिकॉर्ड नहीं किया गया या जिसको मैं क्या कहूँ नॉन वर्बल बिहेवियर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय जो रिकॉर्ड किया गया। तो इसमें यहाँ पर ये जो हमारा कैटेगरी सिस्टम है ये थोड़ा कमजोर पड़ता है। मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन टीचर बिहेवियर एज कम्पेयर टू स्टूडेंट बिहेवियर। 7 श्रेणियां दे दी गई हैं, 10 में से अध्यापक को,
बालक को सिर्फ दो श्रेणियां दी गई टोटल 10 में से। तो ये जो ज्यादा प्रभाव दिया गया, ज्यादा बल दिया गया अध्यापक के व्यवहार पर, ये भी इसकी कमजोरी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बालक की जो सहभागिता है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ श्रेणियां और होनी चाहिए। टेबुलेशन ऑफ डाटा पेयर्स इनटू ए 10x10 मैट्रिक्स इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 400 टैलीज मिनिमम चाहिए, फिर उसको मैट्रिक्स में डालना है, मैट्रिक्स में डाल के फिर उसका परसेंटेज निकालना है। ये वाली जो प्रक्रिया है ये बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसका भी एक ये इसका डिमेरिट या कमजोर पक्ष का पाल उसमें हिस्से में आता है। द सिस्टम इज कंटेंट फ्री, हमने परसेंटेज निकाल ली, पीछे निकाल ली 69%, यहाँ पर हमने निकाला 69%, 26.12, 4.03। तो इसके लिए अब आगे क्या कंटेंट होना चाहिए, इस पे फीड अपना जो सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम वो क्या कहता है। द टेक्निक प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये तो बता दिया अध्यापक इतना बोला, बालक इतना बोला, और साइलेंस कंफ्यूज इतनी देर रहा, उसमें जो गुणवत्ता का पहलू था वो कैसा था वो नहीं जांच पाता। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन इज वेरी डिफिकल्ट, वन ऑब्जर्वेशन इन एवरी 3 सेकंड, ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, प्रत्येक 3 सेकंड में आपको एक ऑब्जर्वेशन देनी है, एक मिनट में कम से कम 20 से 25 ऑब्जर्वेशन, बहुत ही दुष्कर और बहुत ही दक्षतापूर्ण कार्य है जो सबके बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा टॉपिक फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, दो वीडियोस में इसमें पूरा किया है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।